जहां एक तरफ रेलवे की ओर से लगातार सुरक्षा आधुनिक रेलवे स्टेशन के निर्माण का दावा किया जाता है, वहीं मध्य प्रदेश के भोपाल रेलवे स्टेशन में हुए हादसे के बाद रेलवे के सभी दावों की पोल खुल गई है। जानकारी के मुताबिक दो दिन पहले ही यहां के केटरर ने रेलवे प्रशासन को पुल के जर्जर होने की खबर दी थी। कहा गया था कि इसे तुरंत ठीक कराया जाए, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता है, इसलिए हादसा क्रिमिनल नेग्लिजेंस ऑफेंस है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जिस फुट ओवर ब्रिज पर यह हादसा हुआ वो 1992 में बना था। इसके आखिरी ऑडिट के समय को लेकर आधिकारिक जानकारी अभी नहीं मिली है। शुरुआती अनुमान के मुताबिक मेंटेनेंस की कमी के वजह से ही यह हादसा हुआ है। वह हादसे की खबर मिलने के बाद खुद मुख्यमंत्री ने शोक जताया है, साथ ही इसकी मजिस्ट्रेट जांच कराने के अलावा गंभीर अवस्था में घायलों को 50,000 और कम घायलों को 10,000 देने के आदेश दिए हैं। भोपाल रेलवे स्टेशन पर हादसे के बाद मध्य प्रदेश के कानून मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि वो रेल मंत्री और रेल विभाग को पत्र लिखेंगे। उन्होंने कहा कि वो केंद्र से रेलवे ब्रिज और फ्लाईओवर की जांच कराने की मांग करेंगे, जिस इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो। पीसी शर्मा ने प्रशासनिक जांच कराने की बात भी कही है। मजिस्ट्रेट जांच भी कराएं। की भी घोषणा कर दी है यहाँ पर पीसी शर्मा जी का साफ कहना है कि इसकी मजिस्ट्रेट जांच भी कराई जाएगी मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से, और 50,000 जो ज्यादा घायल हुए उनको देंगे। कमलनाथ जी के आदेश हैं कि मजिस्ट्रेट जांच कराई जाए और 50,000 उनको तुरंत दिए जाएं, जो ज्यादा घायल है, जो कम घायल है उनको 10,000। सर जो पुल जर्जर है उसको लेकर क्या है? इसको लेकर पीयूष अग्रवाल जो मंत्री है उनको पत्र लिखा जाएगा कि लंबी लंबी बातें ना करो बुलेट ट्रेन की, ये जो ब्रिज हैं जिसकी वजह से लोगों के जान खतरे में है, इन्हें पहले ठीक कराओ। भोपाल के रेलवे स्टेशन पर गुरुवार सुबह बड़ा हादसा हुआ। आज सुबह उस समय अफरा तफरी मच गई जब फुटओवर ब्रिज का प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 पर उतरने वाली सीढ़ियों का एक बड़ा हिस्सा अचानक गिर गया। इसके मलबे की चपेट में कई यात्री आ गए और करीब 9 लोग घायल हो गए। घायलों को भोपाल के हमीदिया हॉस्पिटल और पुराने भोपाल के चिरायु हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के लिए बता दें, ये कोई पहली दफा नहीं है जब रेलवे की ऐसी लापरवाही सामने आई हो। इससे पहले भी कई रेलवे स्टेशन पर फुटओवर ब्रिज गिरने की घटनाएं हो चुकी है, जो कि दर्दनाक है। पिछले साल मुंबई में सीएसटी रेलवे स्टेशन के पास फुटओवर ब्रिज के गिर जाने से 6 से अधिक लोगों की जान चली गई थी। मैं अपने फ्रेंड का इंतजार कर रहा था, एकदम से मैं यहीं खड़ा हुआ था, एकदम से छच्चा भीड़ जमा हो गई वहाँ पर। ट्रेन किसी की ट्रेन छूट रही होगी या जल भरभड़ी हो रही होगी, तो तेजी से उतरने लगे। वैसे ही वो कमजोर था, वैसे ही धड़ाम से नीचे गिरा। दो चार लोग नीचे गिरे मेरे ऊपर, वो वहाँ का छज्जा गिरा मेरे यहाँ पे लगा, और मैं फिर लगा तो मैं अपने किसी प्रशासन से सोचने से अच्छा मैं खुद जाके इलाज करा के यहाँ पर आया। दुर्भाग्यपूर्ण हादसा है, हमने DRM से कहा है कि इसका पूरा फिजिकल वेरिफिकेशन कराइए, ये सुनिश्चित कीजिए कि इसकी पुनरावृत्ति ना हो, जो घायल है उनका ठीक ढंग से इलाज होना चाहिए।